नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस चातुर्मास विशेष संहिता पठन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने एक विशेष संकल्प या विशेष पठन का आयोजन इस आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पर किया है, और हर माह चातुर्मास के हर माह एक संहिता को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें कुछ गिने चुने विशेष अध्यायों के बारे में, जो भी कुछ अद्भुत अध्याय है, जो ज्यादा से ज्यादा हमारे लिए उपयुक्त है, जो उस आचार्य की विशेषताएं है, उनको लेकर हम इस सत्र में चर्चा करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ है वैद्य कामिनी मैम, वैद्य वंदना जी, वैद्य अंजू जी, वैद्य श्वेता, वैद्य नितुषी, वैद्य कुसुम मैम, वैद्य बलजीत, वैद्य महेंद्र सर, वैद्य सक्सेना, सभी हमारी जो भी वैद्या है, उन सभी का इस सत्र में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हम सबसे पहले तो हमारी प्रथा के अनुसार धन्वंतरी वंदना को मैं प्रस्तुत करती हूँ, और फिर हम लोग आज आगे का जो अध्याय है, आज पहला अध्याय हम लोग पढ़ेंगे, दंत जल्मिक अध्याय। क्योंकि दंत जल्म या अगर हमने देखा तो कश्यप संहिता ये एक कौमार भृत्य की संहिता मानी जाती है। तो बच्चों में या दंतोद्भव को लेकर किस प्रकार से आयुर्वेद में वर्णन किया है, और आचार्य कश्यप ने किस प्रकार से इसका वर्णन किया है, इसके बारे में भी हम लोग मिलकर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले धन्वंतरी वंदना को मैं यहाँ पर प्रस्तुत करती हूँ। चक्रम जलौकाम् दधतमृतम् घटम् चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यम् शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोज्जनेत्रम् कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् तो इस प्रकार से आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करती हूँ इस सत्र में। और थोड़ा सा जस्ट एक 2 मिनटों में, 2 शब्दों में हम लोग यहाँ पर आज की जो तिथि है इसके बारे में मैं बताना चाहूंगी। जैसे आषाढ़ माह है, जो श्रावण के पहले आषाढ़ माह आता है, आषाढ़ माह की क्या विशेषता है। तो आषाढ़ मास में या इस मास में जो पूर्णिमा आती है, गुरु पूर्णिमा आती है, एक विशेष महत्व इसको दिया गया है। और इस महीने में जो भी पाठ पठन करना वो भी एक अच्छा माना जाता है। ये एक चातुर्मास का भी प्रारंभ हो चुका है, जो कि हिंदू वर्ष के अनुसार बहुत ही शुभ माना जाता है। अलग सारे उपक्रम, व्रत, वैकल्य, बहुत सारे त्योहार भी हम इसी समय में मनाते हैं। तो इसी को लेकर हमने इस खास संकल्प को यहाँ पर लिया है। और कश्यप संहिता के बारे में या कश्यप आचार्य के बारे में कहा जाए तो इस संहिता को वृद्ध जीवक तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस कश्यप संहिता के स्थानों के बारे में देखेंगे तो सूत्र स्थान में 30 अध्याय है, निदान स्थान में 36 अध्याय बताए गए हैं, विमान स्थान में भी यहाँ पर 6 अध्याय है, शारीर स्थान में 6 है, तो इंद्रिय स्थान में 12 अध्याय बताए गए हैं। तो चिकित्सा स्थान, सिद्ध स्थान, कल्प स्थान और खील स्थान, इस प्रकार उनसे खील स्थान ये केवल कश्यप संहिता में ही पाया जाता है। तो ये किसकी विशेषता बताई गई है। तो कश्यप संहिता जो भी आज उपलब्ध हमारे पास है उसमें से ही हम पढ़ना चाहेंगे। इसको वृद्ध जीवक तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। और कश्यप संहिता खासकर बालकों को लेकर एक में संहिता है, बालकों के लेकर, बालकों के व्याधि से, बालकों के जन्म से लेकर उसके
आहार से लेकर उसके व्याधि तक का वर्णन काश्यप संहिता में आया है, तो इसीलिए काश्यप संहिता का एक अपना महत्व है। दंत जन्म को लेकर या फिर ग्रह बाधा को लेकर है, फक्कर रोग का विशेष वर्णन काश्यप संहिता में आया है, बच्चों को लेकर धात्री एवं स्तन्य का वर्णन या लेहन का वर्णन भी काश्यप संहिता की विशेषता बताई जाती है। तो अनेक सारे विशेषताओं के साथ इस काश्यप संहिता को लिखा गया है आचार्य काश्यप ने, जो वृद्ध जीवक तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो अधिक समय ना गवाते हुए हम लोग सूत्र को पढ़ते हैं। सबसे जो पहला अध्याय है दंत जलमी का अध्याय, तो मितुषी आप सूत्र पढ़िए, हम लोग सभी मिलकर एक एक सूत्र पढ़ते हैं। कामिनी मैम आप पढ़ेंगी पहला? जी बिल्कुल, हाँ पढ़िए मैडम। पहला जो गद्य है वही पढ़ना है ना, अतु खलु भगवान देही नाम। हाँ, तो मुझे लगता है अगर ज्यादा श्लोक लंबा होता है तो हम लोग अर्थ के साथ चलेंगे तो ही एक अध्याय हमारा संपूर्ण हो पाएगा। हाँ ठीक है, चलेगा चलेगा। हाँ, है ना, तो थोड़ा मतलब हम लोग एक एक्सक्लूसिव एक अध्याय पर एक सत्र हो जाएगा हमारा। अर्थ बता देंगे। हाँ, इसमें स्टार्टिंग जो की गई है वो लिखा है अथ खलु भगवन देही नाम जाता नाम अभिवर्धमाना नाम कतिषु मासेषु दंता निषिच्यते निषिक्ताश्च कियता कालेन मूर्ति भवन्ति मूर्तिभूताश्च कद उद्भिद्यन्ते। ये सारे क्वेश्चंस है जो इस पूरे अध्याय में आने वाले हैं। कानी च एषां पूर्व रूपाणि के च उपद्रवाः कश्चै श उपक्रमः कीश्च दंतजन्म प्रशस्तम् अप्रशस्तम् च किम् कस्मात् च स्वम् अंगम् अभिवर्धमानम् प्राणसंशयाय भवति कियन्तश्च दन्ताः कति च एषां द्विजाः कियता च कालेन पतन्ति पतिता वा जायन्ते दंत संपत असंपत च कीदृशी इति। ये सब क्वेश्चंस हैं, जैसे हमेशा सारे अध्याय में बताया गया है कि क्या क्या पूछा जाएगा या इस अध्याय में क्या क्या आएगा, तो इसमें लिखा है। तो आप मैडम आप ट्रांसलेशन बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। मैं बताऊं क्या आप बताएंगे? हाँ बताती हूँ मैं। हाँ, इसमें लिखा है कि प्राणियों के उत्पन्न होकर बढ़ते हुए कितने मासों में दांतों का निषेचन होता है, अर्थात मसूड़ों के अंदर दांत बैठते हैं उसको निषेचन बोलते हैं। तो ये निषेचन कब होता है, निषेचन के कितने समय बाद वे मूर्त रूप में आते हैं, यानी मूर्त रूप धारण मतलब दांत उसमें आ गए मसूड़े में तो आ गए लेकिन बाहर कब निकलते हैं जिसको मूर्त रूप बोलते हैं, और मूर्त रूप होने के बाद कब प्रकट होते हैं फूटते हैं, और दांत के निकलने के क्या पूर्व रूप होते हैं, दंतोद्भेद के समय क्या क्या उपद्रव होते हैं, और इन उपद्रवों की क्या चिकित्सा होनी चाहिए, और कौन सी दंतोत्पत्ति प्रशस्त कौन सी अप्रशस्त होती है, क्यों दांत अपने निश्चित परिमाण से अधिक बढ़कर प्राणों के लिए संकट उत्पन्न करते हैं, दांतों की संख्या कितनी होती है, द्विज यानी दो बार, एक बार निकला है टूटा है फिर दोबारा उसको द्विज बोलते हैं, वो द्विज कितने होते हैं, कितने समय में गिरते हैं, गिरकर पुनः कब निकलते हैं, किसको दंत संपत बोलते हैं और किसको असंपत बोलते हैं। ये सारे कंसेप्ट जो है इस अध्याय में आएंगे, तो एक एक क्वेश्चन का आंसर आगे आगे श्लोकों में आएगा। तो ये मुझे लगता है काश्यप आचार्य सभी आचार्यों की अपनी अपनी विशेषता है कि वो किस प्रकार से उन्होंने अपनी संहिताओं की रचना की है, तो ये एक अलग सा वर्णन यहाँ पर हमें काश्यप संहिता के साथ मिलता है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि द्विज शब्द, तो द्विज शब्द या दंत का पर्याय के रूप में भी देखा जाता है। तो जैसे हमने देखा कि टीथ आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स लाइक मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, तो इसीलिए मतलब जो कुछ दूध के दांत होते हैं तो वो गिर जाते हैं और फिर परमानेंट टीथ आते हैं, इसी को लेकर उन्होंने द्विज शब्द का प्रयोग किया है जो दो बार आते हैं। तो दांत एक ऐसा शरीर भाव है कि जो गिर जाता है और फिर से आता है, मुझे नहीं लगता कि दूसरा कोई ऐसा शरीर भाव है जो इस प्रकार से हमारे शरीर में होता है। और बच्चों को लेकर हम लोग जब भी बच्चों की ग्रोथ होती है तो उसमें जो दंत आने का समय रहता है वो खासकर माताओं के लिए बड़ा ही या बच्चों के लिए भी बड़ा ही थोड़ा कठिन समय रहता है, जिसमें अनेक सारे इन्फेक्शन विकार होने की संभावना रहती है। तो एक हमने आरंभ कर दिया है, तो अगला सूत्र हम लोग पढ़ते हैं। डॉक्टर वंदना मैम आप पढ़ेंगे अगला सूत्र और अर्थ पढ़िए। मैम मैं पढ़ती हूँ लेकिन मुझे
थोड़ा सा तो वापस मैं मोबाइल से ही सब कुछ कर रही हूँ, तो ट्रैवल कर रही हूँ ना, तो मैं मैडम कौन सा, एक्सक्यूज मी मैडम, कौन सा श्लोक ये परिशिष्टम में ज्वर समुच्चय काश्यप से कौन से नंबर का अध्याय है? विंशति, विंशति सूत्र स्थान का तीसरा अध्याय काश्यप के सूत्र स्थान। हाँ, पेज नंबर पेज नंबर यहाँ पर तो अभी कैसे, मेरे पास तो किताब है तो इसमें नहीं, ये जो आपने आपने जो मैंने डाला है ना, इस पे डाला था मैंने 278 कुछ है, तो शी बताइए 258 तो यस अगले बस मैं निकाल ही रही हूँ मैं। हाँ ठीक है पढ़िए, ठीक है पढ़िए वाला पढ़ती हूँ। यहाँ पर दांतों के बारे में बताया है, मनुष्यों के दांतों के बारे में, काफी बड़ा है ना मैम। द्विज, द्विज ये शब्द ब्राह्मण के लिए भी उपयोग में आता है संस्कृत में। फर्स्ट तो दिख गया मैम, सेकंड तो पूरा उसको वो करने में लगे। आप अर्थ को पढ़िए, केवल अर्थ को पढ़िए, अर्थ पढ़िए लोग। मैडम मैं पढ़ लू, आप अर्थ पढ़िए भगवान काश्यप, वही वाला ना, फोर्थ वाला श्लोक। जी बिल्कुल वही चल रहा है ना मैम अभी तो। अथोवाच भगवान काश्यप इहम खलु नृणाम द्वात्रिंशद्दताः तत्राष्टो सकृज्जाताः स्वरूढ दंता भवन्ति अतः शेषाद्विजाः यावत् स्वेव च मासेषु दंता निषिच्यन्ते तावत् स्वः सुद्भिद्यन्ते तावत् स्वेव च मासेषु जातस्य सत् उद्भिद्यन्ते तावत् स्वेव च वर्षेषु पतिताः पुनरुद्भिद्यन्ते तत्र मध्ये द्वावृत्तरो राजदन्तसंज्ञो भवतः तौ पवित्रो तस्मात् ताभ्यां खंडे न श्राद्धं मर्हति अपि पित्रो हि सह तयोरुभयतः पार्श्वयोः अपि बस्तौ तयोः अपि दंष्ट्रे शेषाः स्वरूढा हानव्या इति चोच्यन्ते तथा अधस्तात् वंदना मैम आप मीनिंग रीड करेंगे। मैम ये थर्ड मतलब कंप्लीट हुआ ना, फोर्थ श्लोक है, फोर्थ है, फोर्थ है मैम ये। मैडम मैडम ने फर्स्ट टू पढ़ लिए हैं क्या? यस यस कामिनी मैम ने अभी पढ़ा। ओके I'm sorry, I'm wasting your time, but I really want to read Kashyap. कोई बात नहीं, आप फोर्थ श्लोक देखिए, अभी जो केतकी मैम ने फोर्थ श्लोक पढ़ा। ये कश्यप ने उत्तर दिया। Yes, yes, right, हाँ। भगवान कश्यप ने उत्तर दिया, मनुष्यों के 32 दांत होते हैं, इनमें 8 सकृताच केवल एक बार उत्पन्न होने वाले, सकृच जात यानी एक बार उत्पन्न वाले होने वाले तथा उसी अपने स्वरूप में ही बढ़ने वाले होते हैं, शेष 24 द्विज हैं, जितने मास में दांतों का निषेचन होता है उतने ही दिनों में वे फूट जाते हैं, अर्थात यदि 4 मास में दांत निषिक्त होते हैं तो 4 दिन में फूट कर बाहर निकल आते हैं, और बच्चे के जितने मास में दांत फूटते हैं निकलते हैं उतने ही वर्षों में गिरकर वे पुनः निकल आते हैं। तो उन्होंने इसको छोटा छोटा कर देते हैं कि जितने मास में दांतों का निषेचन मतलब जितने में वो फूटते हैं उतने दिन में वो, जैसे फोर्थ मंथ में अगर दांत हल्के हल्के दिखने शुरू हुए तो 4 डेज में वो निकल के दिख जाते हैं, और अगर जो है वो 6 मंथ में जैसे निकले हैं तो 6 डेज में वो जो दांत हैं वो बाहर दिखने लग जाते हैं, अर्थात यदि 6 मास में दांत निकलते हैं तो 6 वर्ष में ही वो गिरकर पुनः जो है निकल आते हैं। ऊपर की पंक्ति में बीच के 2 दांत यानी राजवंत जो मध्य त्रोटक सेंट्रल इंसिजर्स हैं उनको बड़ा पवित्र माना गया था, बोलते हैं कि अगर ये दांत खंडित हो जाए तो वह मनुष्य
किसी प्रकार की पूजा पितरों के लिए ना करके नहीं श्राद्ध इत्यादि को वो नहीं कर सकता क्योंकि वह अपवित्र हो जाता है। इसके बाद बड़ा अजीब सा है, मैम ये रीड करेंगे दोनों और। हाँ बोलिए। हेलो नमस्ते मैम, डॉक्टर श्रुति निगम बोल रही हूँ। जी जी मैम। हाँ शिल्पा मैम नमस्ते, वंदना मैम, कामनी मैम नमस्ते सभी को। नमस्ते, वेलकम श्रुति। थैंक यू मैम। एक्चुअली मैंने फेसबुक पे ज्वाइन किया, 4 बजे जो लेक्चर होता है मैंने देखा कि वो सर का तो चल नहीं रहा था, काश्यप चल रहा था, तो मैंने तुरंत ये ज्वाइन कर लिया। शिल्पा मैम फर्स्ट टाइम मैंने ज्वाइन किया है, कोशिश करूंगी कि आपके मतलब उसपे वो हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा बोलना चाह रही थी एक्चुअली, और यदि आप लोग को इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी, आप लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं, बट थोड़ा काश्यप सुन के मैं आ गई थी, आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे, तो मैं बताऊं क्या इसमें कुछ? बिल्कुल बिल्कुल मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच। एक्चुअली एक चीज क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि ये फर्स्ट और सेकंड चैप्टर नहीं किया क्या लेहा अध्याय? और स्टार्ट ही किया है, जस्ट स्टार्टेड, एक ही श्लोक पढ़ा है, वो भी क्वेश्चंस वाला। तो ये तीसरा चैप्टर डायरेक्ट वो लेहा अध्याय, लेहन कर्म हो चुका है एक्चुअली, उस पर वेबिनार हुआ था ना, तो वो हो चुका है। और क्षीरोत्पत्ति भी नहीं किया क्या? वो एक्चुअली बच्चों नहीं, वो पहले डिस्कस हो चुके हैं एक्चुअली, शिल्पा मैडम का आदेश जो होगा वही। हाँ हाँ मैम, उन्होंने सिलेक्ट किया है। नहीं मैम, एक्चुअली रिपीटेशन ना होना। हाँ समझ गया, आई वाज जोकिंग। हाँ मैम, उसका पूरा वो बता दीजिए, जस्ट मैं बताती हूँ मैम, मैं बताती हूँ, दांत के निकलने से रिलेटेड है। मैं जन जन्मिक खोल रही हूँ एक्चुअली, मैं बताती हूँ इसमें थोड़ा सा, पहले बता देते 32 जैसे हमारे 32 दांत बोले गए हैं, ऐसे ही आचार्यों ने भी बोले, क्योंकि दांतों की संख्या, तो जैसे हमारे बोन्स की संख्या अलग बोली है ना, धमनी शिराइन की अलग बोली है, लेकिन दांत 32 ही मॉडर्न में भी है, 32 ही इसमें भी, जो सकृत जात है और द्विज है, तो सकृत जात जो मतलब जो आठ दांत बोले हैं, ये बोलते हैं कि सिर्फ एक ही बार निकलते हैं, इनको परमानेंट मान लेना चाहिए, और द्विज जो 24 हैं, ये एक बार गिरेंगे, मतलब यदि जो दूध के दांत होते हैं वो 24 होंगे और वो गिरेंगे और फिर उसकी जगह परमानेंट टीथ होंगे, और जो 32 हैं, 24 + 8 = 32 हैं, तो जो 8 हैं वो परमानेंट ही होते हैं, वो पहले नहीं निकलते और वो 8 ही होते हैं, इसलिए वो परमानेंट टीथ में आ जाएंगे। तो द्विज मतलब दो बार निकलना, मतलब एक दूध के दांत, एक टेम्परेरी टीथ और एक परमानेंट टीथ, तो ऐसा ये कॉम्बिनेशन वो कर सकते हैं। तो ये जो आप ये वाला जो लाइन पढ़ रहे हैं, जितने मास में दंतों का निषेचन होता है उतने दिनों में फूट जाते हैं, और जितने मास में निकलते हैं उतने ही वर्षों में गिर के पुनः निकल आते हैं, इसका मतलब ऐसा होता है जब निषेचन मतलब कि जो टूथ जर्म बन रहा है, दंत का बीज भाग जो बनता है, वो हमारा गर्भावस्था में बनता है। भले ही आप देखिए, जब 9 महीने से ज्यादा बच्चा यदि पेट में रहता है, तो कभी कभी टीथ लेके भी कुछ केसेस ऐसे देखे होंगे कि विद टीथ उसका जन्म होता है। तो जो निषेचन होता है, मतलब कि जो डेंटल लैमिना है या जो एनामल है, जो मतलब मॉडर्न के अकॉर्डिंग यदि देखें तो जो ओडोंटोब्लास्ट वगैरह जो चीजें बन रही है, जो दंत का बीज भाग बन रहा है, पैपिला टूथ जर्म, वो गर्भावस्था में ही बन जाता है। तो लेकिन हम देख नहीं सकते, लेकिन आचार्यों की दृष्टि बहुत सूक्ष्म थी, तो उन्होंने ऐसा बताया है कि जितने मास में दंतों का निषेचन हो रहा है, निषेचन का मतलब है उसका टूथ जर्म बन रहा है गर्भावस्था में, जो वो तीन लेयर होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, जिससे अपने अपने काम चल रहे होते हैं, तो जितने मास में हो जाएगा, लेकिन हमको दिखता तो नहीं है, तो बच्चे के दांत उतने ही उतने ही दिनों में फूटेंगे, जितने मास में, मान लीजिए 4th मंथ में उसके दंतों का निषेचन हुआ, तो यहाँ पे बच्चे को 4th महीने में दांत आ जाएंगे। चतुर्थ मास, पंचम मास, लेकिन श्रुति यहाँ तो ये बोला है ना कि निषेचन जितने महीनों में होता है उतने दिन में फूटते हैं। निषिक्त होना और उसमें से फूटकर दिखना, दैट इज डिफरेंट थिंग, टू थिंग्स आर मेंशन ओवर हियर, कि निषेचन हुआ मतलब फॉर्मेशन सॉकेट्स बने हैं और वो कितने महीनों में बनते हैं, उसके बाद वो बाहर आने का जो ड्यूरेशन है दैट इज कोरिस्पोंडिंग टू द मंथ्स,
मैम वो दिन दिन आप श्लोक में पढ़िए क्या दिन ही लिखा है ऐसा क्या? जी बिल्कुल दिन ही लिखा है कि जितने महीनों में निषेचन होता है उतने दिन में फूटते हैं। चार मास में निषिक्त होगा तो चार दिन में फूटकर बाहर निकलेगा। तो प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं बोल सकते ना कि यदि पांचवें महीने में है तो यही मानेंगे कि यदि पांचवें महीने में निषेचन हो रहा है। नहीं 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 ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। ड्यूरेशन ऑफ द फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऐसा तो जरूरी थोड़ी कि बाय बर्थ ही फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं है ना। निषेचन होना मतलब जो उसका पोर्शन है वहां पर कब बना है, फॉर्मेशन ऑफ जब बोलते हैं उसकी फॉर्मेशन होने से स्टार्टिंग होती है। अब ये हमें नहीं पता कि उसके दूसरे महीने में फॉर्मेशन स्टार्ट होगा या तीसरे में स्टार्ट हुआ, कौन से मंथ में बेबी में दांत बनना शुरू हुआ, दैट इज निषेचन। और निषेचन मतलब वो कितने मंथ्स लेते हैं पूरा का पूरा बनने में, फिर वो फूटने बाहर निकलने में उतने दिन लगते हैं। कई बार हम लोग टच करते हैं ना बच्चों के मसूड़ों पे, हाँ अब उसके मसूड़े हमें फील होने लगे हैं, उसके बाद से जितने मंथ्स लगे हैं पूरा उतने दिन लगते हैं उसको बाहर निकलने में। ये है ये बताया इसमें लिखा है ना, यावत सुएवच मासेषु दंता निषिच्यन्ते तावत स्वः सुद विद्यन्ते, मतलब जितने महीने निषेचन में लगते हैं उतने दिन में वो फूटते हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि हम लोग मसूड़ों को टच करते रहते हैं फिर उसके ऊपर हनी लगाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं जिससे के बाहर आ जाए, तो वो उन्होंने ड्यूरेशन ऑफ डेज बताए कि इतने दिन में वो बाहर। मैम पर आगे का श्लोक हम पढ़ेंगे तो स्त्री मतलब कन्या में और मतलब लड़की अलग होता है, कन्याओं में जल्दी वो जल्दी निकलते हैं लड़के, तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट तो फिर गलत हो जाएगा। इसलिए गलत नहीं होता है ना उसमें, ये तो आगे उन्होंने खुद ही लिखा है, काश्यप ने खुद ही लिखा है कि ये तो होता है ड्यूरेशन, बट कन्याओं के सॉफ्ट होते हैं इसलिए वो थोड़ा जल्दी निकलते हैं। ये उन्होंने खुद ही अपनी बात को आगे और क्लेरिफाई किया है, गलत नहीं बोल सकते उसको, दे हैव क्लेरिफाइड मोर। जैसे मैं कोई एक बात बोलती हूँ अभी फिर मुझे उसको और क्लेरिफाई करना है तो मैं थोड़ा सा अलग बता दूंगी कि मेल में ऐसा होता है फीमेल में ऐसा होता है, कॉमनली ये होता है बट स्पेसिफिकली दिस थिंग वो उन्होंने खुद ही बताया है। ठीक है मैम तो ऐसा कर सकते क्योंकि मैं मतलब मैं ये नहीं, दे हैव गिवन दिस थिंग लाइक कॉमनली इस श्लोक का जो लेके चल रही हूँ वैसे यही लेके चल रही थी, जितने मास में दंत का टूटजम बना उतने महीने में ही दांत निकलेंगे और जितने महीने में दांत फूट के मतलब जितने महीने में वो गिरेंगे उतने ही वर्षों में फिर से दांत आएंगे, ऐसा एक नॉर्मली हम अगला सेंटेंस है ना, इसे अगला है वो सेंटेंस भी है कि उत्पन्न होने के बाद जितने मास में निकलते हैं उतने ही वर्षों में वो गिरते हैं, वो अगली लाइन है। तो वर्षेषु पतितः पुनरुद्भिद्यन्ते है ना, उतने ही वर्षों में गिरकर वे पुनः निकलते हैं, वो लिखा है आगे वही बात। हाँ, इसको ऐसे फिर मान सकते हैं क्योंकि ये देखा तो है नहीं ऐसा, हाँ, कि छठे मास में निकलते हैं तो छठे वर्ष में पुनः गिरेंगे और निकलेंगे, वो बात लिखी है आगे जो तुम बता रहे हो लिखी है कामिनी मैम, यही बात फिजिबल लगती है मतलब। हाँ, ये तो ऐसे ही इसको देखो, एक एक शब्द जो है वो सही होता है संहिता में, मैं तो ये मानती हूँ। हाँ, हम नहीं समझ रहे हैं, करती हूँ संहिताओं पे, और जो च लिखा है वो च भी कुछ जस्टिफाइड होगा तभी लिखा होगा, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि गलत कुछ है। नहीं मैम नहीं, सही बात, ठीक है इसको ऐसे कंसिडर करते हैं फिर। नहीं लिखा है ना जो तुम बता रहे हो वो भी लिखा है आगे कि जितने मास में दांत निकलते हैं उतने ही वर्षों में गिरकर वो पुनः निकल, तुम जो बात वो अगली बात बता रही हो ठीक है ना, वो भी लिखा है इसमें, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा है, दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड। और एग्जाम्पल दिया है कि छठे मास में निकलते हैं तो छठे वर्ष में गिरेंगे और फिर उसमें जो स्थायी दांत जो बोल रहे स्थायी निकलेंगे वो तब छठे साल में, मतलब हम आइडिया लगा सकते हैं कि बच्चे को छठे मास में दांत आए तो उसे छठे साल में उसके गिरना शुरू हो जाएंगे। हाँ, तो मैम यही मैं बोल रही थी, मतलब मैं अभी तक यही समझती थी कि गर्भावस्था में सिक्स मंथ में उसका जर्म टूथ बना, सिक्स मंथ में निकले, फिर सिक्स मंथ ईयर में गिरे, और मतलब सिक्स मंथ में जब जो गिरे और वो सिक्स ईयर में फिर से पैदा हो गए, ऐसा परमानेंट और टेम्परेरी ऐसी मैं सोच। नहीं 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 अभी उसको थोड़ा सा मुझे लगता है और समझना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये जो राजदंत है ये जो आगे के हमारे जो चार चार होते हैं राजदंत, जो अपर जो सेंट्रल इंसिजन है जो आगे के दांत होते हैं ये राजदंत बोलेंगे, वस्त्र वाला जस्ट ये चार
लेटरल इंसिजन बोलेंगे, द्रंष्टा मतलब कैनाइन, जो पहले काफी बड़े होते थे क्योंकि पहले मांस वगैरह ऐसे फाड़ना पड़ता था, कच्चा खाना खाते थे, अब वो छोटे होते जा रहे तो वो कैनाइन में, और हानव ये पूरे ये जो मोलर प्रीमोलर वगैरह जो पीछे के हैं वो पूरे हानव में आ जाते हैं, और उसके बाद बाइकस्पिड्स आगे, चर्वण आगे है ना, मोलर्स आगे, टेंथ जो है, हाँ उसी को हानव, हाँ उसी को, तो ये मांस 20 हानव्य 12 शेष हुए, ये हुआ है इस प्रकार 32 दांत, 20 हानव्य होते हैं और बाकी के 12। मैम आगे का वक्तव्य पढ़े? हाँ पढ़ो पढ़ो, सक्सेना सर आप पढ़ेंगे? पढ़िए मैं भी सुन रहा हूँ, आप पढ़ो आप पढ़ो। अच्छा वंदना मैम आप पढ़ रहे कि मैं पढ़ू? हाँ पढ़ दे। आधुनिक मतानुसार भी दंतों पे दो प्रकार का माना गया है, तो जो अभी बता दिया गया कौन कौन से डेंटिशन किस तरीके से क्या होता है वो सब। अब बाल्यावस्था इन्फेंसी में तथा चाइल्डहुड में दांतों के यानी किशोरावस्था में दांतों के प्रथम समुदाय जो सेट ऑफ टूथ निकलते हैं उनको दूध के दांत मिल्क टीथ या प्राइमरी डेंटिशन तथा दूसरे को स्थायी दांत या सेकेंडरी डेंटिशन, जैसे अभी परमानेंट और प्राइमरी ये दूध के दांत पहले बताया श्रुति मैम ने भी। प्रथम समुदाय के दांत यानी कि दूध के दांत बच्चे के उत्पन्न होने के कई मास पूर्व मसूड़ों के अंदर बीज रूप से जर्म्स विद्यमान होते हैं, धीरे धीरे उनमें अस्थि निर्माण यानी ऑसिफिकेशन प्रारंभ होता है तथा दांतों की आकृति बनकर बढ़ते हुए मसूड़ों को विदीर्ण करके बाहर फूट जाते हैं, इसी को हम दंतोद्भेद या टीथिंग कहते हैं। इस संहिता के उपर्युक्त प्रकरण में इन्हीं तीनों अवस्थाओं के लिए क्रमशः निषिक्त मूर्तिमान तथा उद्भेदन शब्द दिए गए हैं। इस विषय में बर्च की मैनेजमेंट एंड मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन इंडिया नामक पुस्तक के 75वें पृष्ठ पर लिखा है, द जर्म्स ऑफ द फर्स्ट मिल्क और टेम्परेरी सेट हैव एग्जिस्टेड within the jaw for several months before birth, but they are at no time covered with true bone. As ossification advances, the tooth rises and pressing upwards, causing absorption of its capsule and the gum, till by their removal, the tooth makes the appearance. This upward progress in its latter stages is what we mean when we talk of teething. Itushi? Yes, Kusum ma'am, aap padhenge. Iske aage koi aur continue karo. Kusum ma'am, hai na? Doodh ke daant nimna. Aage continue karo koi bhi. Doodh ke daant nimna kram se nikalte ye wala padhiye. Ji, ji. दूध के दांत निम्न क्रम से निकलते हैं। फर्स्ट है निचले मध्य के त्रोटक लोअर सेंट्रल इंसिजर्स 5 से 10 मास में, दूसरा ऊपर के चारों त्रोटक अपर सेंट्रल एंड लैटरल इंसिजर्स 8 से 12 मास, थर्ड है निचले पार्श्व के त्रोटक इंसिजर्स तथा निचले और ऊपर के प्रथम चर्वण फर्स्ट मोलार्स 12 से 14 मास, निचले तथा ऊपर के शीवन या कीलक कैनाइन या आई टीथ 16 से 22 मास, पांचवा है निचले तथा ऊपर के चर्वण सेकेंड मोलार्स 24 से 30 मास। इस प्रकार इन 20 दांतों के निकलने के साथ 2.5 वर्ष की अवस्था तक प्रथम दंतोद्भेद प्राइमरी डेंटिशन पूर्ण हो जाता है। इसके बाद दांतों का दूसरा समुदाय स्थायी दांत या सेकेंडरी डेंटिशन प्रारंभ होता है। प्रथम समुदाय के दांतों के समान दूसरे समुदाय के दांत भी जन्म से ही पूर्व ही मसूड़ों में बीज रूप से स्थित होते हैं, परंतु ये प्रथम की अपेक्षा भी अधिक गहरे होते हैं। बर्च की पूर्वोक्त बुक में आगे लिखा है, स्ट्रेंज एज इट मे अपीयर द जर्म of second set also existed in the jaw before birth. हाँ ये श्रुति जो बोल रही थी वही बात आई। Then those of the milk teeth.
ये तो आई थिंक ये पूरा मॉडर्न है इसको. हाँ, तो वो श्रुति जो बता रही थी ना वो मॉडर्न वाला सबने पीएमटी की प्रिपरेशन की होगी तो उसमें वो मम्मी इज इन पेन पापा कैन मेक मेडिसिन वाला कोड है उससे पूरे. हाँ, हाँ, वो कोड तो बता रही थी ना वो ही आ गया फिर से इसमें ना. हाँ, तो इसको तो कब कब निकलते हैं आई थिंक पहले लोअर इंसीजर मतलब लोअर सेंट्रल इंसीजर निकलता है मिल्क टीथ में और फिर सबसे लास्ट मोलार निकलता है ऐसी परमानेंट वक्तव्य है ना. वक्तव्य में इन्होंने मॉडर्न जोड़ा होगा ना. हाँ नहीं पर ये हिंदी के नाम है ना मैम तो बहुत टफ हो जाते हैं तो हम जब कैनाइन इंसीजर समझते हैं तभी ज्यादा इजी हो जाता है. तो इसको डिस्क्राइब करने का तो कोई मतलब नहीं. आगे पढ़ना है मैम स्थाई दांत आप देखिए मैम. हम शिल्पा मैम बताएंगी पढ़ना. मैम थोड़े बिजी है वो 5 मिनट्स में आएंगे. मुझे कामिनी मैम आप कुछ बताइए तब तक. हाँ नहीं इसमें तो श्रुति बता ही रही है ठीक से. हाँ श्रुति मैम ने अच्छे से एक्सप्लेन किया. मतलब इसको मॉडर्न में पढ़ने का आई थिंक मैं तुम उसकी तैयारी कर रहे हो गया आप उसके पीजी की तो उसके लिए तो ये सब मॉडर्न से पढ़ने का ज्यादा इजी हो जाएगा. ये थोड़े टफ हो जाते हैं ना नाम ये वक्तव्य वाले ये वाले नाम तो इससे आते भी नहीं है. आई थिंक हम श्लोक ले लें तो ज्यादा अच्छा. आगे पढ़े कामिनी मैम स्थाई दांत. हाँ पढ़ियो पढ़ियो उसमें क्या है जो लिखा है. स्थाई दांत निम्न क्रम से निकलते हैं. प्रथम पश्चात चर्वण या त्रिमूली फर्स्ट मोलार 5 से 7 वर्ष. मध्य के त्रोटक सेंट्रल इंसिजर्स 6.5 से 8 वर्ष. पार्श्व के त्रोटक लैटरल इंसिजर्स 7 से 9 वर्ष. प्रथम चर्वण या द्विमूली फर्स्ट बाइकस्पिड 9 से 11 वर्ष. द्वितीय चर्वण या द्विमूली सेकेंड बाइकस्पिक 10 से 12 वर्ष. शीवन या कीलक कैनाइंस और आई टीथ 11 से 14 वर्ष. द्वितीय पश्चात चर्वण या त्रिमूली 11 से 14 वर्ष. तृतीय पश्चात या चर्वण या त्रिमूली या ज्ञान दंत थर्ड मोलार्स और विजडम टीथ 16 से 21 वर्ष या उससे भी बाद में. इस प्रकार ज्ञान दंत विजडम टीथ के निकलने के साथ दो दांतों की संख्या 32 संख्या पूरी हो जाती है तथा दंतोद्भेद का कार्य भी पूरा हो जाता है. मैम किसी किसी में तो हाँ वही 30 के आसपास भी देखा गया है 30 तक आता है विजडम टूथ. आजकल डेंटेशन भी बहुत लेट होता है तो बहुत लेट भी आता है कई बार 30 इयर्स में भी देखा है मैंने 40 में भी देखा है. उसको सभी के अलग अलग होता है वो तो मुझे लगता है मैम वो सारता वगैरह के हिसाब से. हाँ बस बस वही अकॉर्डिंग टू सारता. और आजकल मैम डेंटेशन लेट भी होता है बच्चों में 1 साल के बाद भी टीथ आते जबकि यहाँ पे आयुर्वेद में 4th मास से शुरू कर दिया क्योंकि हम शायद इतना मिल्क में या फिर इतना कैल्शियम कंटेन नहीं लेते इतना प्योर फॉर्म में और थोड़ा न्यूट्रिशनल भी थोड़ा वो होता है इसलिए लेट होता है डेंटेशन बहुत बच्चों का बहुत लेट होता है. हाँ होता होगा लेट. आगे का श्लोक केतकी मैम. हाँ हाँ मैं पढ़ती हूँ. तत्र कुमारीणाम आशुतरम अल्पबाधकरम च दंत जन्म सुशीरत्वाद्रंशानाम मृदुस्वभावाच्च प्रकृष्ट कालमाबाधा बहुलम तु कुमाराणाम माचक्षते धनत्वादृशानाम स्थिर भवावाच्च दंतानाम निषेक मूर्तित्वोद्भेद वृद्धि पतन पुनर्भाव निवृत्ति स्थिति परीक्षय चलन पतन दृढ़ दुर्बलता जाति विषय शान्निषेकात् स्वभावान माता पित्रोर नुकरणात् स्वकर्म विशेषा चे त्याचक्षते महर्षयः तथा अन्येः अपि शरीर वृद्धि ह्रास गुण दोष प्रादुर्भावः. सक्सेना सर आप पढ़ेंगे. इस पढ़ता हूं मैं. लड़कियों के दांत जल्दी निकलते हैं और कष्ट भी कम होता है क्योंकि उनके दांत सच्छिद्र
एवं मृदु होते हैं। लड़कों के दांत देर से निकलते हैं और कष्ट भी अधिक होता है क्योंकि उनके दांत घना ठोस और स्थिर दृढ़ होते हैं। दांतों का निषेक मूर्त रूप होना, प्रकट होना, वृद्धि पातन या गिरना, गिरकर पुनः ना निकलना, स्थिर रहना, जमे रहना, छीण होना, हिलना, गिरना, दृढ़ता एवं दुर्बलता, इन सब बातों में जाति की विशेषता, निषेक स्वभाव, माता पिता का अनुकरण तथा अपने प्राक्तन कर्मों की अपेक्षा होती है, ऐसे प्राचीन महर्षि कहते हैं, तथा अन्य दो शरीर की वृद्धि ह्रास गुण दोष उत्पन्न होते हैं। यस वक्तव्य पढ़ूं आगे सर? ये चीज मॉडर्न में भी सेम होती है क्या कामिनी मैम, ये जो बताया? हाँ बिल्कुल होता है ना, उन्होंने अपने से ही हमसे ही तो लिया हुआ। इन्होंने बताया कि हड्डी सौशीर होता है यानी कि पोरस, ये मतलब है इसका सच? जैसे इसमें रहता है डेंटल, उसमें क्रिमिनोलॉजी में रहता है कि वो दांत देख के बताते हैं कि ये मेल का है कि फीमेल का, यानी कि हमारे यहाँ भी इतने पहले से इन्होंने वर्णन किया हुआ है, पहले से बताया हुआ है जी मैम, फीमेल दांत कौन सा है, मेल दांत कौन सा है, कितना अच्छा है। बट उसमें बोला है ना कि दांतों की जो क्वालिटीज जो भी हैं कि आपके दांत जल्दी गिरेंगे कि लेट गिरेंगे कि स्थिर रहेंगे दृढ़ रहेंगे, उस वो उसके कारण जो बताए वो स्पेसिफिकली ये है ना कि जाति विशेषात, निषेकात, स्वभावात, माता पित्र अनुकरणात, मतलब कि जाति की विशेषता है, निषेक है, स्वभाव है, माता पिता का अनुकरण मतलब हेरिडिटरी है कि जैसे माता पिता से उनको हेरिडिटी मिला है वैसे, और पूर्व जन्मकृत कर्म भी उसमें उन्होंने बोला है। स्वकर्म विशेषात मतलब इस जो भी लिंग शरीर आया है उसका पूर्व कर्म कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके दांत कैसे होंगे। मैम निषेक के बारे में बताइए ना, निषेकात वही जो बोला ना कि उसकी फॉर्मेशन जो हाँ, है हाँ, 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 हाँ। वो जो कितने जैसे हमने बोला कि कितने महीनों में वो बनेंगे उतने ही दिन में फूटेंगे, तो ऐसा होता है ना कि कितने दिन लगते हैं उसको बनने में, जितने दिन लगेंगे उतनी स्ट्रेंथ उसमें ज्यादा होगी, मतलब फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो प्रॉपरली पूरी बनी, मतलब फॉर्मेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले ही निकलना चालू हो जाएंगे तो वो कच्चे होंगे। निषेक जो है वो उसने पूरा टाइम लिया है, पूरा मैच्योरिटी उसमें दांतों में आने के बाद ही फूटे हैं तो वो सही होंगे, ये भी बताया जाता है ना कि है ना पहले फूट जाएंगे। इसमें प्री मैच्योर बेबीज का भी कुछ होता है कि आगे उनके में दांत देरी से निकलता है कुछ ऐसा? वो हर एक का अलग अलग होगा ना, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स है ना कि जाति की विशेषता भी है, हेरिडिटरी भी है, माता पिता से कैसा आया है, पूर्व कर्म कैसे हैं, वो सभी तो सारे फैक्टर्स मिलके तो बनाएंगे दांतों को। मैम जाति की विशेषता के मतलब क्या है कि क्या वो खाने पीने संबंधी? कुछ कुछ जाति जो है उन जाति में जो दांत तो है उनकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है ना, उस प्रकार से आएगा सर शायद देखते हैं ना प्रकृति में ये भाव, जैसे देश काल वैसे ही इसी हिसाब से वो भी होता होगा, दांतों का असर होता होगा। और ये भी है कि जो महीने में जो दांत आते हैं ना तो वो उसी इसमें गिर जाते हैं, मतलब जिसमें देरी से दांत आते हैं तो गिरने का समय भी देरी से होता है, जैसे बच्चों में देखा जाए। और लड़की और लड़कों की बात चल रही तो मुझे लगता है कि लड़कियों में ज्यादा जल्दी निकल जाते हैं जैसे कि, और पुरुषों में जैसे वही श्लोक है आगे पढ़ना, जल्दी निकलते हैं कष्ट कम होता है, और लड़कों के देर से निकलते हैं कष्ट अधिक होता है। ऐसे मातृज ले सकते हैं, जैसे मातृज भाव हमेशा सॉफ्ट होते हैं, पितृज भाव जितने जो हमारे बॉडी में हार्ड चीजें हैं जिसमें मैं वही बता रही थी कि मस्कुलाइन और फेमिनाइन नेचर से ये जल्दी मतलब स्त्रियों में मतलब एक नाजुक भाव है, चंचलता होती है थोड़ी सी, तो इसीलिए जल्दी आते हैं ऐसे। हाँ, और क्योंकि ये सारी चीजें सॉफ्ट होती हैं तो आगे बढ़े मैम, आगे बढ़े। दो मिनट कंप्लीट करिए कि जो मातृज भाव है सॉफ्ट है, जो पितृज है वो हार्ड। इतना अभी एकदम से इतना ध्यान नहीं है, लेकिन हमने मात्र जो पितृज भाव पढ़े थे तो जैसे जो धमनी शिरा दांत दांत मातृज भाव में नहीं आते हैं। नहीं नहीं वही बता रही हूँ मैम, लेकिन ये जो बोन्स है ये हड्डी है ये पितृज भाव में आते हैं, पितृज भाव है क्योंकि मातृज भाव हमेशा सॉफ्ट होता है, इसलिए जो फीमेल में
सारी चीजें सॉफ्ट हैं, इसलिए जब कोई भी चीज निकलेगी, जैसे मान लीजिए पानी डाला है, कभी मिट्टी में आप पानी डालेंगे तो बीज इजीली निकल आता है, लेकिन यदि वो थोड़ा टाइट होता है तो फिर वो नहीं स्फुटित होता है ना ऐसा, इसलिए इसमें ज्यादा पेन होता है, मतलब मेल में सीरियसली यदि डेंटेशन के ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा पेन होता है। और ये जो ये माता पिता या अनुवांशिक कारण बोले हैं, इसमें जैसे हचिंसन टीथ है जिसमें एक ट्राइपॉड टाइप का मिलता है हचिंसन टीथ, तो इन सब में ये सब चीजें देखी जा सकती हैं कि यदि गर्भोत्पाद घातकर भाव है, मतलब यदि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल ने बहुत सारा कुछ ऐसा मेडिकेशन लिया है या गलत खाना पीना है, तो फिर जब कंजेनाइटल डिसऑर्डर होता है तो वो टीथ पे दिखता ही दिखता है। और फैमिली में जैसा रन करता है, जैसे मान लीजिए मम्मी पापा के जैसे ही बच्चे के दांत, उसका टेक्सचर और उतना ही सुशीरता, छेद छेद ऐसा देखा जाता है कि वही तो लिखा है ना इसमें माता पितृ अनुकरण, तो वही तो मैंने बताया कि माता पिता की हेरिडिटी, कंजेनाइटल कारण भी है, हेरिडिटी भी है और भाव भी है, सारे भाव सारे फैक्टर्स के हिसाब से बनेंगे, प्रकृति में होगा तो तभी में होगा, बिल्कुल सारे फैक्टर्स। तो आगे का सूत्र पढ़िए, आगे पढ़िए जी जी। नृणाम तु चतुर्थादिषु मासेषु दन्तानि शिच्यन्ते, तत्र सदन्तजन्म च पूर्वमुत्तरदन्तजन्म च विरलदन्तजन्म च हीनदन्तता च अधिकदन्तता च करालदन्तता च विवर्णदन्तता च स्फुटितदन्तता च मङ्गल्या भवन्ति, तत्र शान्तर्थ्यमारुति मिष्टि निर्वेपेत स्थालिपाकमनाहिताग्नेः प्राजपत्यमित्येके, तथान्वेषापि स्वाङ्गोनाधिकभावेषु तथा तद्धूरं प्रशाम्यति। पुरुषों के चौथे मास में दांत निषिक्त होते हैं, और फिर अगर देखेंगे तो सदंत जलम यानी दांतों के सहित जलम, पहले ऊपर के दांतों का निकलना साधारणता, सबसे पहले तो निचले तथा मध्य के दांत निकलने चाहिए, और दांतों का अगर हम लोग देखेंगे तो विरल होना, और फिर दांतों का कम होना, दांतों की संख्या अधिक होना, दांतों का कराल यानी भयंकर होना, लंबे होना, दांतों का मैला होना तथा दांतों का स्फुटित होना, या फिर वो एक अशुभ माने जाते हैं। तो ये सभी जो जैसे कि हमने देखा है कि सदंत जलम वैसे तो कभी देखने को नहीं मिलता, बहुत बहुत रेयर केस होती है सदंत जलम, बट आयुर्वेद में इसको अशुभ माना है। विरलता, दांतों की रचना विरल होना, दांतों की संख्या में कमी आना है, फिर अधिक भी आना है, फिर दांत भयंकर यानी कराल एकदम अनकुचीदार होते हैं तो भी इसको अशुभ माना गया है। तो ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि जैसे हमने देखा कि पुरुषों की ज्यादातर जो उनकी जो दृष्टि से करें तो इतनी मतलब कहते हैं कि कम या अधिक होंगे, तो ऐसा ही करें कि जिसमें वह अनिष्ट शांत हो जाए। तो मतलब यहाँ मुझे लगता है कि दांतों को लेकर जो भी प्रथाएं होती है तो इसमें थोड़ा सा आयुर्वेद शास्त्र एक पौराणिक और प्राचीन शास्त्र होने से कुछ जो भी ग्रहित है, तथक है, मिथ्यक है, इसको भी दांतों के साथ जोड़ने का प्रयास आचार्य कश्यप ने यहाँ पर किया है। बताइए, किसी को कुछ बोलना है इसके ऊपर? जी मैम, ये जो आपने बताया है कि 32 दांत अशुभ माने जाते हैं, तो अपने अपने यहाँ शास्त्रों में बताया गया है कि गोस्वामी तुलसीदास जी जब पैदा हुए थे उनके 32 दांत थे, तो सबको टेंशन आ गया कि ये अशुभ है, तो फिर उनको मतलब नहीं एक्सेप्ट किया मम्मी पापा ने उनके, तो उनको निकाल दिया गया। तो ये पीछे निकाला था कि जन्म पे दांत थे उनके। जी मैम, उनको पैदाइशी 32 दांत थे। अभी मैंने कंफर्म करने के लिए रामचरितमानस भी खोला हुआ है, तो कंफर्म है, मुझे वही लग रहा था कि शायद वही है। इवन कबीरदास जी का भी यही था कि उनके मुंह में दांत थे और इन्होंने राम शब्द भी बोला था, तो इसलिए फिर सब डर गए। ओके, तो ये जन्म से ही दांत ना होके बाद में 32 दांत थे कि पैदा होते ही 32 दांत थे? पैदा होते, इसमें दिया है कि पैदा होते ही इनको 32 दांत, पूरे दांत कंप्लीट थे। जन्म के समय वो रोए नहीं, किंतु उनके मुख से राम शब्द निकला, उनके मुख में 3200 दांत मौजूद थे, और उनका डिलडॉल 5 वर्ष के बालक सा था। माय गॉड, एकदम पोस्ट मैच्योर बेबी थे लगता है। और इनकी शांति के लिए यज्ञ भी बताया गया है, मतलब अगर ऐसे कुछ लक्षण मिलते हैं तो
शांति की जाती है। तो मुझे लगता है शांति को लेकर बहुत सारी प्रथाएं भी होती है, जैसे कि पहली बार जब हाँ दांत आता है तो कुछ परंपरा के अनुसार उसको एक चांदी का ये दिया जाता है। मतलब महाराष्ट्र में मैंने देखा है कि यहाँ ऐसे होता है कि आठवें महीने में होता है तो उनको चांदी की कटोरी से वो चांदी की मामा दूध भात खिलाते हैं। उस वक्त मुझे यही लग रहा था हो सकता है कुछ पित्त प्रकोप कुछ होता होगा उस समय, जो इतना उनको लूज मोशन वगैरह उसको रोकने के लिए शायद खिलाया जाता होगा चांदी के कटोरी में, पर पता नहीं हमारे बच्चों को भी खिलाया गया था, हमने भी खिलाया था। क्योंकि अनिष्ट क्यों है, मतलब पद्धति है ये मैडम, अनिष्ट क्यों अनिष्ट इसलिए बोलते कारण हो सकता है क्या, अनिष्ट का क्या मतलब हुआ? मैं बताती हूँ, आई थिंक समथिंग एबनॉर्मल, यही सोच के अनिष्ट होगा। मैं बोलती हूँ मैम, अनिष्ट एक्चुअली सदंत जन्मा इतना अनिष्ट नहीं बोला गया, ऐसा बोला राज दंत जो आगे के दांत होते हैं वो यदि खंडित हो जाते हैं तो फिर वो यज्ञ वगैरह में नहीं बैठ पाता। सदंत जन्मे को इसलिए थोड़ा सा वो मानते हैं क्योंकि क्या है, छह महीने तक हमेशा दूध पिलाने के लिए बोला है, छह महीने बाद अन्नप्राशन या फल प्राशन कराने के लिए बोला है। यदि दांत सहित बच्चा होगा तो अच्छे से दूध नहीं पी पाएगा और माँ कंफर्टेबल नहीं होगी क्योंकि बार-बार काटेगा तो उसका पालन पोषण अच्छे से नहीं होता है, तो ग्रह बाधा जन्य विकार उसमें ज्यादा होते हैं, इसलिए सदंत जन्मा बालक अच्छे से मिल्क फीड नहीं कर पाता है, इसलिए उसको प्रॉब्लम है, और माँ को काटता है तो माँ को प्रॉब्लम है। लेकिन यदि यज्ञ में नहीं बैठना है, जी कोई कुछ बोल रहा था, यज्ञ में नहीं बैठना, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन मारुति, यज्ञ बता हाँ, तो फिर आगे का खंडित है तो यज्ञ में नहीं बैठेगा, और यदि सदंत जन्मा है तो माँ और बच्चे दोनों की लिए खराब है और उसको ग्रह बाधा ज्यादा आक्रांत करेगी, ऐसा बोलते हैं। बौद्धिक कारण भी है क्या, मतलब जैसे सदंत जन्मे हुए बच्चों का कुछ IQ कम होता हो या ऐसा कुछ हो, ऐसा भी है क्या, कहीं देखा जाता है क्या ऐसा? मैम अभी तो ऐसे बच्चे ही बहुत रेयर होंगे, इसलिए कोई ऐसा नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन हाँ हचिंसन टीथ वगैरह के लिए जरूर बोल सकती हूँ कि उसमें कंजेनाइटल डिसऑर्डर होते हैं, लेकिन उनका अच्छा दांत नहीं होता, रिलेटिव का है तो उसमें मुझे थोड़ा वो प्रॉब्लम लगता है, इसलिए दांत का आगे क्वालिटी आएगी, संवृत विवृत आप वो देखिएगा। अस्थि धातु अगर अच्छा सारवान होगा तो शायद कहीं कहीं ऐसे होगा क्या कि सदंत जन्मा, ये भी हमें सोचना है कि अस्थि डोमिनेंस अगर होता है तो आप क्या कह रही थी बताइए उदाहरण। मेरे जो रिलेटिव है ना एक, उनकी जो बेटी है उनमें वो सदंत जन्म है, ऊपर वाले ही दो दांत आए थे, वो दांत तो विकृत थे ही, शायद निकालने भी पड़ जाए, लेकिन IQ की अभी 3 साल की है तो IQ भी मुझे थोड़ा, 3 साल के बच्चों जितना नॉर्मल नहीं है, और माइलस्टोन्स भी सारे डिलेड थे उसके। अच्छा मैम हमने देखा है कि जो सदंत ये दो दांत वाले जो पैदा होते हैं तो वो जल्दी गिर भी जाते हैं, कि लोग बताते हैं कि मतलब दांत के साथ हुआ तो फिर वो जल्दी गिर भी गया, मतलब चला गया, और तो उस जगह पे आके मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो डॉक्टर श्रुति बता रही थी कि जिस महीने में वो हुआ होगा हो सकता है उसी में गिर जाए, ऐसा कुछ है। मैम मिल्क टीथ तो वैसे ही जितने जल्दी निकलेंगे उतने ही जल्दी टूटेंगे, ऐसा ही होता है ना, वो तो है, प्रैक्टिकल लेवल पर भी हमने इसको अनुभव किया है ना। और जो सदंत वाला है वो इसलिए भी अशुभ है कि उसने स्तन पान नहीं किया है, लैक्टेशन उतना नहीं किया, तो माता और बच्चे की भी उतना बॉन्डिंग शायद नहीं बन पाता होगा, हो सकता है ये कोई कारण होगा। मैं इसमें एक बात बोलता हूँ, अस्थि वाला जैसे अभी शिल्पा मैम बोल रही थी, अस्थि दंताश विविध कारणों से बड़ा अस्थि धातु अस्थि की वृद्धि करता है और संख्या से अधिक दांतों को उत्पन्न करता है, तो जैसे शिल्पा मैम एक बोल रही है तो ये बहुत बढ़िया मुझे मिल गया एकदम से। तो अस्थि दंताश मतलब क्लियर कट बोला है कि अगर अस्थि धातु की अस्थि की वृद्धि करता है, विविध कारणों से बड़ा अस्थि धातु अस्थि की वृद्धि करता है और संख्या से अधिक दांतों को उत्पन्न करता है, तो कहीं ना कहीं इसको भी ऐसे भी सोच के चलना चाहिए। यस मैम बिल्कुल बिल्कुल है सर, रेफरेंस तो है। यस अगला सूत्र पढ़ते हैं केतकी, अगला सूत्र पढ़कर हम लोग सत्र को समाप्त करते हैं। ओके मैम। हाँ चतुर्विधम तु दंत जन्मा चक्षे सामुद्रम संवृतम
विवृतम दंत संपदिति तत्र सामुद्रम क्षयी नित्य संपातात् संवृत्तम धन्यम मलिष्ठम विवृतम वीतम नित्य लालोपहतम संचन्न दंतात्वादाशुदंत वैवर्ण्यकर मासान बाधामिति। डॉक्टर भक्ति मैम आपने बताया, बताइए। हेलो नमस्ते, क्या इसका विवरण विवरण बताना है? हाँ विवरण बताइए। चार प्रकार की दांतों की उत्पत्ति मानी गई है। एक सामुद्ग संवृत विवृत दंत संपत चौथा प्रकार है। इनमें सामुद्ग बच्चों के दांतों के क्षय की अवस्था में होते हैं क्योंकि उनके दांत सदा गिरते हैं, उनको सामुद्ग कहते हैं। संवृत यानी अधन्य अप्रशस्त, इसमें दांत मैले होते हैं। विवृत यानी जिसमें नित्य लालास्त्राव होता रहता है, तथा होठों द्वारा दांतों के पूरे ढके न जाने के कारण दांत मैले हो जाते हो तथा उनमें सदा रोग होते रहते हैं। मतलब ये दांत के जो कुछ विकार बताए हैं ऐसा है। संवृत विवृत दंत संपत्त, दंत संपत्ति यानी अच्छा दांत, अच्छा प्रकार है ना दंत संपत्ति यानी। एक तो सामुद्ग यानी बच्चों के दांतों की क्षय की अवस्था है। संवृत्त यानी अधन्य अप्रशस्त है। विवृत्त यानी जिसमें नित्य लालास्त्राव हो जाता है। ठीक है। यस मैम, मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि दांत हो या शरीर का कोई भी भाव हो, बट ये हमारे शरीर के धातु, हमारी प्रकृति, दोष धातु मलों का या हमारे शरीर के स्वभाव का, इन सभी के घटकों के निर्माण के ऊपर निश्चित रूप से परिणाम होता है। और यहाँ पर दंत संपत्ति आपको बताया तो फिर समय, जैसे अस्थि धातु सार में दांत बड़े होते हैं, नियमित रेगुलर होते हैं, या शुक्र धातु सार में दंत संपत्तता के लक्षण बताए गए। तो दांत ये अस्थिज भाव है, पितृज भाव है। तो जैसे भी शुक्र शोणित के समय जिन भावों का परिणाम हमारे शरीर पर होगा उसके अनुसार ही दांतों का या सभी शरीर के भावों का निर्माण होगा, ऐसे मुझे लगता है। तो ये हमें सोचना चाहिए कि जो सारे दांतों के प्रकार यहाँ पर बताए, सामुद्र है, संवृत्त है, विवृत्त है, या जो भी संपत्ता जो बताई गई है, तो जैसे लालास्राव का अधिक आना, तो इसका निश्चित मतलब है कि कहीं ना कहीं कफ दोष शरीर में अधिक है, इसकी तरफ ये इशारा कर रहा है क्या? तो बताइए आप लोग भी। मैं कल मैं एक पीडिया का वो देख रहा था, पीडिया, तो उसमें कह रहे थे जो सलाइवेशन होता है वो अच्छा माना गया है, मतलब ठीक है, उसकी वजह से कोई दोष नहीं माना गया ऐसा। बच्चों में जो सलाइवेशन होता है उसको अच्छा माना गया, ऐसा क्या, इसके बारे में बताइए मैम। सलाइवेशन अच्छा नहीं सर, ये कफ की अवस्था है ना। देखिए बाल्यावस्था कफ की अवस्था है, तो बच्चों में सलाइवा अधिक निकलता है और दांत नहीं होते ना, तो दांत ना होने से जो भी सलाइवा बनता है वो बाहर आता है, और फिर बच्चों को जैसे जैसे समझ आने लगती है तो जो भी सलाइवा बनता है, कफ वहां पे सीक्रेट होता है, उसको निगलने या उसके थूकने की क्षमता उसके मसल्स में, उसके ओरल मसल में आती है, उसको समझ में आने लगता है, और फिर निगलना या फिर अन्न खाता है तो अन्न के साथ ये सलाइवा मिक्स हो जाता है और वो अन्नवस्त्रोत में आगे अन्न नलिका से आगे चला जाता है। बट 6 महीने तक लार अधिक आती है क्योंकि उसको निगलना नहीं पता होता है, तो बाहर ही आएगी। तो जैसे जैसे खाना खाएगा तो खाने के साथ सलाइवा मिक्स हो जाएगा, तो सलाइवा अंदर की तरफ चला जाएगा, और जैसे जैसे बड़े होते हैं तो कभी कभी फिर थूकने की आदत आती है, या फिर धीरे धीरे सलाइवा सिक्रेशन तो कम ही होता जाएगा। तो ये भी इसके पीछे कारण। मैं कल मैंने एक सेमिनार दिख रहा था, भूत परमेश्वर का सेमिनार दिख रहा था, उसमें कहा था सलाइवेशन और मोर यूरिनेशन इज गुड साइन फॉर ए चिल्ड्रन, ऐसा था। तो यूरिनेशन तो मुझे समझ में आया, सलाइवेशन के मुझे कंफ्यूज हुआ कि वो जो ऐसा सलाइवेशन, आप जैसे हम लोग का कुछ दिनों पहले डिस्कशन भी हुआ था, इस सलाइवा इज जो बोधक कफ है, और वो थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ क्योंकि 2 दिन पहले ही हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, और फिर जब बाल्यावस्था है ना, बाल्यावस्था है तो कफ का सिक्रेशन होगा ही होगा ना, और इसमें जो कफ की अधिकता वाला बालक होगा तो उसमें ज्यादा सिक्रेशन होगा। हाँ बिल्कुल, मेंटली हमने किया था चर्चा की मेंटली रिटार्डेड बच्चों में भी, हाँ उसमें ज्यादा होता है। यस मैम, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मैंने कहा शायद वो गलत बोल रहे थे। नहीं नहीं, अच्छा डाइजेशन होने का वो एक साइन है एक्चुअली। हाँ। उन्होंने ये बताया, वो पीडियाट्रिशियन थे ना कल के, कुछ महीनों तक थोड़ा ज्यादा सलाइवेशन होना, ये इट्स अ गुड साइन ऑफ डाइजेशन ऐसा उनका। सलाइवेशन जो होगा तो बच्चों में गिरेगा ना, तो वो हम लोग तो उसको ही देखेंगे ना, गिर रहा है
तो लेकिन वो गुड साइन उन्होंने बोला था, लेकिन हम लोग जैसे शिल्पा मैम बोल रहे हैं या हम लोग सोच रहे थे कि बोधक कब कब काल बोधक कब निकल रहा है, तो वो एक्सेस जो निकल रहा है वो जैसे आपने बोला कि थोड़ा सा बड़ा होता बच्चा तो वो अंदर चला जाता है, लेकिन जब एक्सेस बन रहा है तो वो कुछ क्या सोचना चाहिए, यही मैं सोच रहा था, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हुआ था इसीलिए मैंने क्वेश्चन उठाया। मैम इसको अच्छा माने ये खराब माने? मुझे लगता है आज के लिए यहाँ पर हम लोग रुके, आज हमने आधा अध्याय पढ़ लिया है, कल इसको कंप्लीट कर लेते हैं और कल दूसरा अध्याय हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं। ओके, जो भी कैशव संहिता की जो भी विशेषताएं है। ओके, ओके क्या कहते हैं सभी लोग? नन्ना मैम हाँ जी जी मैम थैंक यू। ठीक है ठीक है सभी को कामनी मैम श्रुति मैम सक्सेना सर सबको नमस्ते। वेरी नाइस सिंगिंग आपकी वंदना की। थैंक यू मैम। सभी का आभार बहुत बहुत। आप कल भी हम लोग इसी प्रकार से इस संहिता का पठन 4:30 टाइमिंग है ना करेंगे, और जैसे जितना हो सके हमारे इसमें हम काश्यप संहिता के कुछ अद्भुत जो भी सारे अध्याय उनके ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच ऑल। थैंक यू। थैंक यू शिल्पा मैम। 4:00 है मैम। 4:00 या 4:00 यस। थैंक यू। ओके भारती मैम बाय।